अब आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है आप उससे एग्री हैं, तो आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करिए। अब सेंड एक्टिवेशन मेल पर आपको क्लिक करना है। अब हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमें एक मैसेज दिखाई दे रहा है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब अभी हमने जो अकाउंट बनाया है वो अभी हमारा क्रिएट हुआ लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे अपने मेल में जाकर मैसेज चेक करना होगा, उसमें एक लिंक आई होगी उस पर मुझे क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना मेल चेक करती हूँ। इसके लिए मुझे एक न्यू टैब ओपन करना है। यूआरएल में www.gmail.com टाइप कर मैं एंटर करूंगी, क्योंकि मेरा अकाउंट जीमेल में बना है इसलिए मैंने यहां पर जीमेल लिखा है। अब मुझे अपना ईमेल आईडी यहां पर डालना है, kalyani.pawar897@gmail.com। नेक्स्ट पर क्लिक करके अब हमें अपना पासवर्ड यहां पर लिखना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर अब हम देखते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो गया है। अब मेरे मेल में मैं मैसेज चेक करूंगी, मैं मैसेज को इनबॉक्स में चेक कर रही हूं। यहां पर मैं देख रही हूं कि यहां पर मुझे एक लिंक दिखाई दे रही है, इस लिंक पर मुझे क्लिक करना है। मैं यहां पर क्लिक कर रही हूं। अगर आपको मैसेज इनबॉक्स में दिखाई ना दे तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप उसे स्पैम में भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए जब मैंने लिंक पर क्लिक किया तो अभी हमको जो मैसेज यहां पर दिखाई दे रहा है वो है अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। इसका मतलब ये है कि मेरा अकाउंट अब एक्टिवेट हो गया है और फाइनली मैं इस NROER प्लेटफॉर्म की मेंबर बन चुकी हूं। तो आप भी अब NROER के मेंबर बन गए होंगे, इसलिए मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। चलिए अब मुझे डिजिटल कंटेंट बनाना है तो मुझे इस NROER प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करना होगा। तो यहां पर देख सकते हैं लॉगिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से यहां पर ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा गया है, तो यहां पर मैं फिर से अपना ईमेल आईडी टाइप कर रही हूं, kalyani.pawar897@gmail.com। अब यहां पर आपको आपका पासवर्ड डालना है। नीचे में कैप्चा दिया हुआ है उसको डालकर आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि पहले वीडियो में आपने देखा कि हमें केवल दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, वो थे रिपोजिटरी और वर्कस्पेस। अब ये तीसरा ऑप्शन माय डेस्क यहां पर जुड़ गया है। साथियों ये माय डेस्क ऑप्शन इस NROER प्लेटफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये आपका स्वयं का डेस्क है, स्वयं का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने विषय चुनकर अपने इच्छा अनुसार कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस माय डेस्क के बारे में और जानते हैं। तो मैं सबसे पहले माय डेस्क पर क्लिक कर रही हूं।